सो हे गाइस, आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा अजीब काम। जैसे हमने पहले एक बार हमारा सैनिटाइज़र खोला था, सैनिटाइज़र मीन्स वो जो एयर डिफ्यूज़र मशीन थी हमने वो खोली थी। आज हम खोलने वाले हैं एयरफोन्स, ताकि नॉर्मल टाइम में आप कभी ये सोचते नहीं कि हाँ अंदर क्या होगा क्या नहीं। सो आई गेस हम दिखा देते हैं आपको, तो आपको अपने ना काटने पड़े। हम ये वायर्ड वाले हैं एक, जो कि आई गेस ओरायमो की कंपनी के हैं। आप इनके इसके ऊपर ब्रांडिंग भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ये रहा ओरायमो एंड ये है गिज़मोर की तरफ से। सो हाँ गाइस, दोनों के दोनों फ्रेंडली बजट में आते हैं, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना नुकसान हो भी रहा है तो व्यूज़ के लिए काफ़ी है। एंड सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ वायर वाले, वायरलेस को मैंने रख दिया एक तरफ, और वायर वाले में सबसे पहले देख लेते हैं इनकी यूजेज और बिल्ड। वैसे सब बहुत ईजी होती है, बस एक यही इसका डिसएडवांटेज है। आप देख सकते हैं कि लोग क्यों वायर से वायरलेस में जा रहे हैं, क्योंकि हाँ ये टैंगल हो जाते हैं सारे। सो लेट्स फर्स्ट डिटैंगल ऑल दीज थिंग्स एंड या अब हो गया है ये नॉर्मल। तो सबसे एक साइड पे आप देख सकते हैं 3.5 mm जैक, जो कि आज के टाइम पे फोन्स में रेयरली कभी मिलता है। एंड दूसरी साइड्स में आते हैं ईयर हुक्स, जो कि इस टाइप के कुछ दिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से 3.5 mm जैक से, जो अब नहीं रहा तो अब इसमें भी नहीं रहेगा। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं यूं काटने का। काफ़ी डीप कट लगाया है गाइस, बट स्टिल आई गेस हमें 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी शेल को कम्प्लीटली रिमूव कर पाएगा। आप देख सकते हैं गाइस कि हमने एक कट के बाद कुछ तो सक्सेस हासिल करी है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि हाँ ये तो बाहर की आउटर कोटिंग है। हम कोटिंग को कोशिश करते हैं कि अगर हट सके पूरी प्रॉपर तो हटा देते हैं, ताकि अंदर जो वायर है हमारा वो कम्प्लीटली फ्री हो सके। और गाइस ये ब्लेड बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो प्लीज़ इसे घर में या फिर छोटे बच्चे करने की कोशिश ना करें। आप देख सकते हैं कि बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है। और ये गया एक हमारा रबड़ का स्टैब, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े वायर्स वगैरह फ्री हुए हैं। इसमें 3 वायर्स दिख रहे हैं, 3 या एक्चुअली 4। थोड़ा सा हम इसकी बाहर की कोटिंग को बाहर निकालते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ वायर्स है इसके अंदर। ओके, मुझे यहाँ पे एक्चुअली 5 कलर दिख रहे हैं, जिसमें से 4 तो वायर्स हैं और एक मल्टीपल थ्रेड्स का एक ग्रुप है। ओके सो परफेक्ट, इस साइड से तो हमने देख लिया, और वही सारी चीज़ वही सेम कहानी रास्ते में हर एक जगह होगी। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिलाने के लिए माफ़ी चाहेंगे। अब जैसे मैंने एक टुकड़ा इसका निकाल लिया है, तो हम इसको एक बार और बाहर खींच के देखते हैं। सो दैट कि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर पूरे में ही यही बिल्ड है या नहीं। देखिए अब हमने वायर को और थोड़ा सा लूज़ कर दिया है, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया है। तो जो हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हैं कलर्ड में, ब्लू ग्रीन येल्लो येल्लो या गोल्डन कह सकते हैं, और रेड। उसके अलावा एक थ्रेड है, थ्रेड जो इसको ड्यूरेबिलिटी देता है। एंड गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत का काम है। हमें शायद सक्सेस मिल गई, बहुत जल्दी हमने बता दिया, बट स्टिल हमें सक्सेस मिल गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के अलग अलग टाइप की यूजेज होंगी। लेट्स से तो ये तो था इस तरफ का। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा ये हमारा सेंड एंड एंड कॉल्स का बीच का हाउसिंग कह सकते हैं। तो आइए पहले इसकी भी हम कहीं पे एक जगह से इसे खोलना काफ़ी इजी था। और जैसे आप देख सकते हैं कि बाहर की हाउसिंग अगर हमने हटा दी,
तो हमारे पास फिर सामने आता है ये कुछ एक छोटा सा पीसीबी है जिसके ऊपर यहाँ पे ये पुश बटन लगा हुआ है, ये रहा, और ये आई गेस एक टाइप का कोई कैपेसिटर है छोटा सा जो कन्वर्ट करता है, और सिंगल वायर की केबल को यहाँ पे टू वायर्स में स्प्लिट कर देता है ताकि लेफ्ट और राइट का आप ऑडियो ट्राई सुन सके अच्छे से। अब आते हैं हमारे ऊपर के मेन, इसको भी वही एक बार निप एंड प्राय टूल से ट्राई करेंगे। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है गाइस, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। और गाइस मैं रिपीट करता हूँ, इसको दोबारा घर पे दोबारा क्या पहली बारी में भी करने की कोशिश ना करें वरना ये बहुत मुश्किल काम है और आपका हाथ वाथ भी कट सकता है। तो मैं भी पूरी सेफ्टी लेके ही करूँगा। एंड ये मैंने प्राई कर दिया है और पुश, तो ये आइए सबसे पहले है लेफ्ट है या राइट है पता नहीं, हाँ लेफ्ट है। ओके, यहाँ के इंडिकेशन से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का है सबसे पहले। यहाँ पे भी वो वायर्स जो हमने यहाँ पे देखी थी कन्वर्ट होती हुई वो यहाँ पे आके टू पॉइंट्स में चेंज हो जाती हैं, एक हमारा गोल्डन कलर है और एक ग्रीन कलर का है, और इसके अंदर आई गेस डायफ्राम लगा होगा जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको भी एक बार बाहर निकालने की कोशिश कर लेते हैं अगर निकाल सके तो। यहाँ से कुछ पंक्चर नहीं कर सकते क्या? हाँ डेफिनेटली यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से हमारा टूल पूरा अंदर तक जा नहीं रहा। लेट्स सी, हम इसको बाहर पोपट। ओके, सो आखिरी कोशिश हम कर लेते हैं एक बार, इन केस सक्सेस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो यही लास्ट असेंबली है गाइस। और शाबाश, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लू लगाया हुआ है इन्होंने। हाँ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ग्लू लगा हुआ था, और ये आप देख सकते हैं डायफ्राम आ चुका है इसका बाहर एकदम शाइनी शाइनी, बीच में गोल्डन कॉपर वायर्स भी दिख रही हैं थोड़ी बहुत, आप ये देख सकते। और ये गाइस मैग्नेट है, डेफिनेटली मैग्नेट है तभी तो ये वाइब्रेट करता है, और बीच में एक ओके सो या ये एक लेयर लगी हुई थी जिसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने कहा था आपको कि कॉपर वायर्स हैं, तो ये रही वो कॉपर वायर्स, बहुत ही ज़्यादा पतली कॉपर वायर्स हैं। हम इसको थोड़ा सा भी अगर टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वहीं पे ही बेंड हो जाती है। एंड लेट्स ट्राई टू स्ट्रेच दिस आउट इफ पॉसिबल। हाँ एक छोटा सा रेशा निकला है बाहर, ये रहा, और हमने तोड़ दिया। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमने तो नुकसान ही कर दिया, बट स्टिल यही था गाइज। और हाँ जो हमारा मेन मैग्नेट है वो स्टिल यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और हम मैग्नेट को नहीं निकाल सकते, हमें अपने हाथ नहीं कटवाने, हम मैग्नेट को नहीं निकाल सकते। तो ये था गाइज वायर वाला, और अब हम एक बार इसको साइड में रख के चेक करते हैं वायरलेस में क्या होता है। ओके ओके ओके, ये आगे वायरलेस, और वायरलेस हमारे थोड़े से स्पेशल है क्यों, क्योंकि इस ये कोई नॉर्मल वायरलेस ईयरफोन्स नहीं है, इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड डालने का भी ऑप्शन मिलता है। आप इस साइड में देख सकते हैं कि दो फ्लैप्स दी हुई हैं, ये चार्जिंग पोर्ट के लिए है माइक्रो यूएसबी, और ये है आपका मेमोरी कार्ड डालने के लिए ऑप्शन। हाँ अब आप फोकस में देख सकते हैं ईजिली, ये है। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं, और जैसे कि ये वायरलेस है तो हमें इसमें बैटरीज ढूंढनी पड़ेंगी कि कहाँ है बैटरीज। और एक तो मैग्नेट जैसे हमने इस वाले में देखा कि ये वाले मैग्नेट्स थे, तो इसमें ऐसे डबल मैग्नेट्स होंगे रीजन वाइज कि एक तो हमारे आगे साउंड वाइब्रेशन के लिए, और दूसरे यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी बैंड को चिपकाने की उसके लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस बार हम कहाँ से स्टार्ट करें, इस बार हम चलिए पहले यहीं से पकड़ते हैं, और आई गेस सबसे पहले हम बैटरीज को ही निकालेंगे क्योंकि एज जेरेरिक एवरीथिंग ने हमें बताया हुआ है, हमने मतलब पूरी दुनिया को बताया हुआ है कि सबसे पहले बैटरीज निकालनी चाहिए। तो या इजीली एक
टूल से निप किया और ये कवर आ चुका है बाहर। तो रुकावट के लिए खेद है, हम कहाँ थे, हम थे, हमने बैटरीज निकाल ली थी गाइस, हमें बैटरीज मिल गई थी, ये आप देख सकते हैं हम अपने सामने, इसके ऊपर ब्रांडिंग दी हुई है 135 मिली एम्पायर की, जो कि 3.7 वोल्ट पे है। एंड उसके अलावा ये वही दो वायर्स हैं जैसे हमने वायर वाले में देखे थे, इनकेस मुझे मिल सके तो मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये उनका ईयर हुक था और ईयर हुक के ऊपर से जो दो वायर्स निकली थी वो दो कलर्स थे गोल्डन। लेट मी फर्स्ट फोकस। फोकस बेटा। आप देख सकते हैं कि ग्रीन और गोल्डन कलर का था और वही सेम रेड और गोल्डन कलर का एक साइड पे यहाँ पे है जो कि आगे जाके ईयर हुक पे एक्सटेंड हो रहा है। एंड ये है बैटरी। तो सबसे पहले हम बैटरी को कर देते हैं डिसकनेक्ट, विच इज़ मेन थिंग टू डू सो। सो या अभी हमारे पास कुछ प्रोफेशनल टूल्स तो है नहीं, तो सबसे बेस्ट हम कर सकते हैं खींचने का, दैट्स इट, छोटा सा तो काम है। एंड नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं हम, जहाँ पे हमें बटन्स भी दिए हुए हैं। तो हाँ गाइस, हम थे अब यहाँ पे ट्राई करने के टाइम पे, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन्स प्रॉपर फंक्शनिंग के यहीं दिए हुए हैं विद माइक्रोफोन, आप माइक्रोफोन चेक कर सकते हैं, हमने पुराने वाले में माइक्रोफोन नहीं ढूंढा था एक्चुअली। सो या ये हो सकता है गाइस ये कैपेसिटर नहीं है, ये माइक्रोफोन होगा। अगर ये माइक्रोफोन हुआ तो इसकी और इसकी बिल्ड होपफुली सेम या सिमिलर होगी, तो लेट्स सी, देखते हैं। हम इसको भी एक तरफ अभी यहीं पर रख देते हैं, हमें ये फ्रेम में तो दिख रहा है ना, फ्रेम में दिख रहा है, हाँ परफेक्ट, हमें यही सेम आइटम इसमें ढूंढनी है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार, वही प्यार से एक पुश करना है और टर्न, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं पुश एंड टर्न, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जुगाड़ है तो हमें एक बार एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, यहाँ की भी केसिंग निकल आई है बाहर और यहाँ पे थोड़े बहुत क्लैम्प्स भी दिए हुए हैं गाइस। ये हमारा माइक्रो एसडी का कवर आ चुका है और मेमोरी कार्ड का कवर भी ये रहा। अगर ये बाहर निकल जाती है पूरी प्लेट तो हम ज़्यादा इजीली इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, निकल गई है। अब यहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हैं कि ये है इसका पीसीबी और ये था वायर्ड का पीसीबी। तो आप देख सकते हैं गाइस कि फंक्शनैलिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है वायर और वायरलेस में। ये एक रीज़न हो सकता है कि ये आपको इजीली 30-40 रुपीस के भी मिल जाते हैं, ये आपकी स्टार्टिंग रेंज ही एटलीस्ट 250 या 300 से होती है अगर आप ढंग के देखें तो, वरना तो इससे सस्ते तो फिर लोकल ही है, अंदर से सारा माल यही वाला है और बस एक बैटरी डाल दी और वायरलेस हो गए, विच इज़ अ रियली फ्रॉड काइंड ऑफ एक्टिविटी अ पर्सन डू और रिटेलर डू टू देयर कस्टमर्स एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो एसडी का पोर्ट है, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो एसडी का पोर्ट है। एंड जो हम माइक्रोफोन ढूंढ रहे थे वो माइक्रोफोन एक्चुअली यहाँ पे इस टाइप का दिखता है, आप दोनों के डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। हम एक बार ट्राई करते हैं इसके ऊपर, अगर कोई ये ब्लैक फिल्म लगी हुई हो तो इसको उखाड़ के ट्राई कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये माइक्रोफोन ही है। रीज़न वाइज कि अब आप इन दोनों के बिल्ड और डिज़ाइन देख सकते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है टोटली। इसमें भी कुछ छेद दिए हुए हैं, इसमें भी कुछ छेद दिए हुए और इसमें भी कुछ छेद दिए हुए हैं, जो कि दोनों के दोनों, बस ये है कि इसके ऊपर आगे से एयर फिल्टर लगा हुआ था सो दैट कि जो मफल्ड आवाज़ है वो ना आए, यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। सो या यहाँ पे साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, यहाँ पे इवन साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ सकती है। एंड चलिए, ये तो हो गया हमारा स्पीकर का पार्ट, अब आते हैं ईयर हेडसेट के अंदर। सबसे पहले तो ये रबर टिप्स निकाल देते हैं दोनों की, ऑल दो हम सिर्फ एक ही खोल के चेक कर रहे हैं, दो नहीं, बट स्टिल फोकस, कैमरा कर लो फोकस। और इनका प्राइंग सिस्टम थोड़ा सा अजीब है गाइस, सो बी बेयर विद मी।
अगर हमने इसकी जान निकाल भी दी तो बुरा, आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मुश्किल है गाइस, पर हम रुकेंगे नहीं। फाइनली हमने कैप तो निकाल दी है, एटलीस्ट काफ़ी मुश्किल था कैप को निकालना ही, अकेले कैप को नहीं निकालना ही। और अब इसकी फंक्शनैलिटी आती है यूं बाहर, बट सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि हमें मैग्नेट्स भी चेक करने हैं। तो ये हमने कर दिया है कट। सो या हमें ये काटने का रीज़न था कि हमने जैसे कहा था हमें दो मैग्नेट्स ढूंढने हैं, तो एक मैग्नेट तो हमें इजीली मिल जाएगा। कहाँ गया इसका मेन पार्ट? मेन पार्ट इज़ द रॉन्ग वर्ड आई गेस, ओके, बट स्टिल ये रहा। और इसके आगे के डायफ्राम्स कहाँ चले गए? ये रहे, ये जो हमने पार्ट इनमें से जस्ट अभी कट किया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ऊपर है कुशनिंग, ये कुशनिंग एक टाइप की डबल साइडेड टेप ही लग रही है एक्चुअली मुझे। हाँ, ये डेफिनेटली एक डबल साइडेड टेप है और काफ़ी जुगाड़ करके इन्होंने बिठाया हुआ है। इसके बाद अगर हम इसको निकालें, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्लूड हो रखी है और जैसे वहाँ पे निकले थे पार्ट्स वैसे ही पार्ट्स यहाँ निकल चुके हैं। और अब हमें वैसे तो ऑप्शन नहीं मिल रहा कहीं से भी, इसके अंदर मैग्नेट्स फील नहीं हो रहे गाइस, क्योंकि एक तो इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है और डेंजरस भी है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने हाथ पैर उंगलियां कटवा के बैठ जाऊं। सो या गाइस, इसको भी रहने देते हैं, हम ये वाला मैग्नेट निकाल लेते हैं जो इसके अंदर है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक डेफिनेटली मैग्नेट है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। और इसको यहाँ से निकालने का तो कोई सिस्टम नहीं है, इसको हमें अंदर से ही कुछ प्राय आउट करके करना पड़ेगा। शाबाश। नहीं गाइस, ये जानलेवा हो सकता है, ये हमारे लिए भी जानलेवा हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि हम इसको और कुछ उंगलियाँ करें। सो या, यही था टे डाउन वायर्ड और वायरलेस के लिए। हम एक बार टोटल साफ कर देते हैं टेबल को। सो या गाइस, यही था हमारे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंदर अंदर के सारे कंपोनेंट्स हमने एक बार चेक किए एंड मैग्नेट्स हम फिर भी नहीं निकाल पाए। कोई नहीं, दुख होता है पर ज़्यादा नहीं, चलता है इतना तो काट लेंगे। एंड बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, इन्जॉय करो अपना।